Good morning, friends. Welcome back to Digital Platform of Online Study at Allahabad. आज हमारा वीडियो में जो टॉपिक है वो है नेस्टेड लूप्स, राइट? जैसे हमने नेस्टेड इफ पढ़ा था, वहां पे क्या होना था, एक इफ स्टेटमेंट के अंदर हम दूसरा इफ लिख रहे थे. उसी प्रकार से अगर हम एक लूप के अंदर दूसरा लूप चलाते हैं तो इसे कहेंगे नेस्टेड लूप. व्हेन वी राइट अ लूप इनसाइड another loop, it is known as nested loop. जब हम एक लूप के अंदर दूसरा लूप लिखते हैं तो इसे क्या कहते हैं? अब आपको पता है कि जब एक लूप चलाते हैं तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो कई बार रिपीट होता है, पता है ना? मान लेते हैं हमने एक लूप चलाया फॉर आई इक्वल्स टू वन, आई इज लेस देन इक्वल्स टू फाइव, आई प्लस प्लस. तो ये लूप कितने बार चलेगा? पांच बार. वेरी गुड. आई के वैल्यू वन से लेकर के जब तक आई के वैल्यू पांच है तब तक चलेगा, जैसे छह हो जाएगा बाहर आ जाएगा, है ना? यानी कि ये जो लूप है ये पांच बार एग्जीक्यूट करेगा. अगर इसके अंदर हम एक और लूप डाल दें तो ये लूप कितने बार चलेगा? दस बार. बट यहां पे दस बार नहीं चलेगा. देखिए, जब इसकी वैल्यू वन होगी, आई की वैल्यू वन होगी, तो जे की वैल्यू वन से लेकर के टेन तक, आई जब वन होगी तो जे की वैल्यू वन से टेन तक चलेगी, ठीक ना? फिर जब आई की वैल्यू टू हो जाएगी, जब यहां से वापस आएगा, यहां पे आई की वैल्यू टू हो गई तो यहां पर फिर से आएगा, यहां पे फिर से जे की लूप कहां से कहां तक चलेगी? वन से टेन तक. आई की वैल्यू थ्री के लिए, जे की वैल्यू वन से टेन तक. आई की वैल्यू फोर के लिए, जे की वैल्यू वन से टेन तक. आई की वैल्यू फाइव के लिए, जे की वैल्यू वन से टेन तक. अर्थात अंदर वाला जो लूप है पचास बार चलेगा. देखिए, दस दस बीस, दस तीस, दस चालीस, दस, अर्थात बाहरी लूप के एक वैल्यू के लिए ये लूप हमेशा चलेगा जितने बार कहा है, अगली लूप वैल्यू के लिए फिर उतनी बार चलेगा, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? फॉर ईच वैल्यू ऑफ द आउटर लूप द इनर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल वैल्यू. समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? तो क्या लिख सकते हैं? फॉर each value of the outer loop the inner loop will be executed from initial value टू फाइनल वैल्यू. अभी हमने एग्जाम्पल में इनिशियल वैल्यू वन रखा था, फाइनल टेन रखा था. तो बाहरी लूप के हर वैल्यू के लिए, हर वैल्यू के लिए वन टू थ्री, इनर लूप
इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक चलेगा। तो जहां कहीं भी आपको ऐसा नजर आए कि एक के अंदर दूसरा रिपीट होना है, एक रिपीटेशन दिख रहा है उसके अंदर दूसरा रिपीटेशन भी दिखे, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे? नेस्टेड। उदाहरण के लिए मैंने आपसे कहा मुझे वन से लेकर के टेन तक, मुझे वन से लेकर के टेन तक सभी नंबर्स का टेबल प्रिंट करना है, सभी नंबर का टेबल प्रिंट करना है। अब देखिए पहले वन का टेबल कैसे होगा, वन मल्टीप्लाइड बाय वन, वन मल्टीप्लाइड टू, रिपीट होगा ना। फिर टू के लिए भी करना है यही चीज, थ्री के लिए भी करना है, फोर के लिए भी करना है। तो देखिए एक लूप चलेगा आई का वन से टेन तक, उसके अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए अगेन वन से टेन तक, यानी कि लूप के अंदर रिपीटेशन के अंदर रिपीटेशन। समझ में आई बात? इज इट क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, राइट अ प्रोग्राम to print multiplication table of numbers from 5 to 15। 5 से 15 तक जितने भी नंबर हैं इन सभी का टेबल, मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है। तो देखिए इसमें हमें कुछ इनपुट कराना है क्या? देखो जरा ध्यान से, नहीं क्योंकि हमें दिया हुआ है 5 से शुरू करना है 15 तक जाना है, यहाँ पे कोई चीज इनपुट नहीं करानी है। तो चलिए इस प्रोग्राम को किया जाए। यहां पर हमने n का लूप चलाया 5 से 15 के लिए, n नंबर लिया है 5 से 15 के लिए। इसके अलावा एक लूप लेंगे i का 1 से 10 के लिए मल्टीप्लाई करने के लिए, और m ले लिया मल्टीप्लीकेशन को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तीन वेरिएबल लिए। अब यहां पे देखिए हमें कुछ इनपुट नहीं कराना है, सिंपली करना है लूप चला करके सारा प्रिंटिंग करना है। तो यहां पर हमने क्लियर स्क्रीन किया, लूप चला दिया आउटर लूप फॉर एन इज इक्वल टू, कहां से शुरू करना है 5 से 15 तक, इनिशियल वैल्यू क्या कर दिया 5, कब तक चलेगा एन इज लेस देन इक्वल टू 15 तक, और हर बार एन को क्या करेंगे 1 से बढ़ा देंगे। ठीक, अब एन का टेबल कैसे निकालते हैं, एन गुणे 1, एन गुणे 2, एन गुणे 3, इस तरह से 1 से लेकर 10 तक जाएगा। तो इसको हम i का लूप चला दें 1 से लेकर के 10 तक, चला दो फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, और इसके अंदर क्या किया आपने, मल्टीप्लाई किया m बराबर n मल्टीप्लाइड बाई। ठीक है ना, अब इसको प्रिंट करना है। अब प्रिंट कैसे करना है, n गुणे i बराबर n, ऐसे प्रिंट करना है, कर देते हैं। प्रिंट एफ न्यू लाइन परसेंट डी n के लिए मल्टीप्लाई में हमने क्रॉस का सिंबल x का सिंबल लिया, फिर i के लिए परसेंट डी बराबर का सिंबल, फिर एन के लिए परसेंट डी, सॉरी
यहाँ पे पहले n, यहाँ पे n आना चाहिए, यहाँ पे i, उसके बाद m, हो गया। ये हो गया हमारा इंटरनल लूप और ये हो गया एक्सटर्नल लूप, हो गया। गेट सी एच प्रोग्राम एंड। अब देखिए यहां पर ये लूप इस लूप के अंदर लिखा है, तो ये कैसा हुआ? समझ में आया? कोई ऐसा भी है जिसकी समझ में नहीं आया? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नहीं, चलिए अच्छी बात है। चलिए लेट अस डू वन मोर एग्जांपल, एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमें क्या करना है, एक नंबर इनपुट कराना है और उतने रो का पैटर्न प्रिंट करना। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न विथ गिवन नंबर ऑफ रोज। फॉर एग्जाम्पल अगर n की वैल्यू है 5, तो आउटपुट क्या होना चाहिए? एक, दूसरे में दो, तीसरे में तीन, चौथे में चार और पांच में तो पांच रो का पैटर्न। n की वैल्यू 5 है तो पांच रो का, 6 होता तो 6 का, 7 होता तो 7 का, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने का प्रयास किया जाए। मैं यहां से क्वेश्चन मिटा दे रहा हूं, आप लोग समझ लीजिएगा। आपको एक तो नंबर इनपुट कराना है तो हमने n ले लिया, रो का लूप चलाना है तो r ले लिया, कॉलम का लूप चलाना है तो c ले लिया, ठीक है ना। पहला काम तो इनपुट कराने, तो हमने यहां पे लिखा, स्क्रीन साफ करो, मैसेज दो प्रिंटर, प्लीज एंटर अ नंबर और इनपुट कराया स्कैनर से, पर्सन बी एम परसेंट एन। अच्छी हैबिट, सारा काम हो गया इनपुट वाला। अब हमें लूप चलाना है, आर का लूप चलेगा 1 से चला दीजिए, फॉर आर इज इक्वल टू 1, आर इज लेस देन इक्वल टू एन, आर प्लस प्लस। और इसके अंदर एक और लूप चलाना है सी का, कहां से? 1 से लेकर के सी इज लेस देन इक्वल टू आर तक जाएगा और हर बार सी प्लस प्लस होगा। और इसके अंदर हमें प्रिंट करना है क्या? एक स्टार। अब देखिए जब एक लाइन पूरा प्रिंट हो जाए तो लाइन बदलना भी रहे, जब एक पूरा लाइन बदल गया, प्रिंट हो गया आर तक, उसके बाद लाइन बदलना है, तो यहां पे हमने क्या लिखा? न्यू लाइन। लाइन बदलने के लिए यहां पे क्या होगा, सब एक ही लाइन में प्रिंट करेगा, ये लाइन बदल देगा और ये हमारा खत्म। ठीक है, अब ऐसे समझो द
ट्राई हम करके देखते हैं। मान लो ये मेरा एन है, ये मेरा आर है, ये मेरा सी। सपोज आपने डाला फोर, एन की वैल्यू क्या डाली, ठीक, मतलब चार रो का आउटपुट आना चाहिए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पे आ जाओ। आर की वैल्यू कहां से शुरू हुई, वन से। क्या आर एन से छोटा है, देखो जरा, हाँ छोटा है, तो नीचे आए। फॉर सी इज इक्वल टू वन, सी की वैल्यू कितनी हो गई, क्या सी आर से छोटा या बराबर है, बराबर है, तो कंडीशन पूरे तो अंदर आ गया। क्या लिखा है, प्रिंट करो स्टार, तो इसने प्रिंट कर दिया स्टार। नीचे आया, यहां गया सी प्लस प्लस, सी कितना हो गया, क्या सी आर से छोटा या बराबर है, देखो बड़ा हो गया, तो लूप से बाहर आ गया। बाहर क्या लिखा है, प्रिंट एफ न्यू लाइन, तो यहां से जो कर्सर अभी यहां था यहां आ गया, लाइन बदल दिया उसने, क्लियर, समझ में आया। फिर यहां से यहां जाएगा, यहां पे क्या लिखा है, आर प्लस प्लस, आर हो गया टू। क्या आर एन से छोटा या बराबर है, देखो जरा, छोटा है ना, अब यहां पे आएगा सी इज इक्वल टू वन, दोबारा सी कितना हो जाएगा वन। जब ऊपर से नीचे आएगा तो सबसे पहले यहां जाता है इनिशियलाइजेशन में, सी की वैल्यू दोबारा कितनी हो गई, वन। क्या सी आर से छोटा या बराबर है, चेक करो, छोटा है, अंदर आएगा, प्रिंट करो स्टार, प्रिंट हुआ, कर्सर आगे बढ़ गया, सी प्लस प्लस, सी हो गया टू। क्या सी आर से छोटा या बराबर है, बराबर है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आया, क्या लिखा है, प्रिंट स्टार, एक और स्टार प्रिंट करेगा, कर्सर यहां आ गया, सी प्लस प्लस, क्या सी आर से छोटा या बराबर है, नहीं, लूप से बाहर आया, न्यू लाइन, तो कर्सर यहां से कहां गया, लाइन बदल गई, फिर से यहां से यहां जाएगा, आर प्लस प्लस थ्री। क्या सी, सॉरी, क्या आर एन से छोटा है या बराबर है, हाँ छोटा है, अंदर आया, सी बराबर वन हो गया। अब सी क्या आर से छोटा है, हाँ छोटा है, तो प्रिंट करेगा स्टार, सी प्लस प्लस टू, अभी भी कंडीशन टू है, प्रिंट करेगा स्टार, सी प्लस प्लस थ्री, अभी भी कंडीशन टू है, बराबर है, तो प्रिंट करेगा स्टार, सी प्लस प्लस फोर, क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं, बाहर आया, न्यू लाइन, लाइन बदल दिया, आर प्लस प्लस, आर हो गया फोर, क्या ये कंडीशन ट्रू है, हाँ, अंदर आया, सी हो गया दोबारा से वन, कंडीशन ट्रू है, स्टार प्रिंट करेगा, सी प्लस प्लस टू, कंडीशन ट्रू है, प्रिंट करेगा, सी प्लस प्लस थ्री, कंडीशन ट्रू है, प्रिंट करेगा, सी प्लस प्लस फोर, कंडीशन ट्रू है, प्रिंट करेगा, सी प्लस प्लस फाइव, कंडीशन फॉल्स हो गया, बाहर आ गया, लाइन बदल दिया। फिर यहां जाएगा आर प्लस प्लस, आर हो गया फाइव, क्या ये कंडीशन ट्रू है भी, नहीं, बाहर आ जाएगा, गेट सी एच प्रोग्राम एंड, बाहर इसके बाहर आया ना, यहां से यहां पे क्या लिखा है, गेट सी एच, मतलब ये बटन दबाओ फिर प्रोग्राम एंड हो जाए। अब इसको जरा सा समझ में आया कि नहीं, किसी को, किसी कोई दिक्कत, ठीक है, तो